बचाया जाए और उनको तोड़ा जाए, ये बताया जाने वाला है।
उनको सबक कैसे सिखाया जाए, उनके वीकनेस क्या है, किस हिसाब से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस क्लासेस के अंदर ऐसे नहीं कर रहा हूं कि उनको करा देंगे आउटफिट पहना के उनको ट्रेनिंग करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं उनकी ट्रेनिंग वही आउटफिट में हो जिस आउटफिट में वो ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या जहां भी काम करना जाते हैं। मैं चाहता हूं कि उसी आउटफिट में आए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि दैट इज द वे वी ट्रैवल। सो लॉट ऑफ थिंग आर अंडर कंसिडरेशन एंड उसी हिसाब से मैंने पूरी ट्रेनिंग के कोर्स बनाया हुआ है। ये कोर्स हर वो महिला के लिए एक महीने का होगा और इस एक महीने में यू विल लर्न दैट मच जितना कि एक इंसान येलो बेल्ट बन जाता है इस कोर्स के अंदर हुआ जाएगा। एंड देयर विल बी ग्रेजुएशन डे आल्सो फॉर देम। और जिस महिला को उससे आगे एडवांस कोर्स सीखना है वी विल बी हैविंग दैट एडवांस कोर्स आल्सो। दिस इज जस्ट आज का दिन, एक हमने सोचा कि एक अच्छा दिन है, हम शुरू करते हैं। यहाँ आज सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, वैसे शुरू होने वाला है 29 कांग्रेस पॉइंट। जी जिस हिसाब से आगे काम होगा, जिस हिसाब से लोगों को पसंद आएगी और जिस हिसाब से हमें मौका दिया जाएगा, मैं जरूर करना चाहूँगा। मैंने वैसे आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे सरकार को मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती कर चुका हूँ कि सेल्फ डिफेंस को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट सारे स्कूलों में बनाया। बिल्कुल, ये सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। ये सब चीजें पढ़ पढ़ के तंग आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, देखिए जहां आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती वहां आपको यू हैव टू लर्न टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एंड मैं समझता हूं, मैंने खतरों की लड़ाई की थी। आई थिंक वुमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। द ओनली थिंग इज दैट दे नीड दैट कॉन्फिडेंस इन देम एंड ट्रस्ट मी they have more sense and they have more confidence in us, in more than men. I think they can just take care of themselves without any help, and that is what I'm going to teach them. देश की रक्षा नहीं कर पा रहे। जी देखिए, इसके ऊपर सरकार है, वो रूल बनाएगी, उनको ज्यादा पता है कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अधिक इस डिसीजन के ऊपर हम अपने सरकार को, अपने केपेबल सरकार को रखते हैं किस हिसाब से रोकते हैं। इसका डिसीजन पर्सनली आई थिंक इट इज ऑल ऑन वुमेन। I mean, this decision depends on them. They have to decide whether it is right or wrong. There are nobody to say this. I can only teach them about self-defense and about how to save themselves from anything wrong, but not about something like a war or something. This is not, I'm not opening a war zone here. So I wouldn't have any say to that. अभी जो अगले केसेस करते जा रहे हैं, लोगों के सामने न्यूज़ में आ
सुझाव करना चाहते हैं और जो भी कर सकते हैं करते रहे। हम मनों में बात नहीं करेंगे। मैसेज तो यही कहना चाहूंगा, आइए ज्वाइन द स्कूल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे मुझे ये लगता है कि ये अगर लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं तो ही काफी बड़ा मैसेज है कि अगर अच्छे से इनको ट्रेन कर रहे हैं तो सोचो क्या ट्रेनिंग होगी। अच्छा, जो आप उजागर ये कह रहे हैं कि पुरुषों को क्या कहना चाहिए, अरे वो जो अपराध करते हैं उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। अरे मैं आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ अ बिग ह्यूज पेनल्टी because I come myself from a very army background. My father was into army and I believe in very much strict way to deal with the people like this. I wouldn't, agar mere haath mein hota to mera tarika hi kuch bahut hi gadab aur hota usko pakad lena। बिल्कुल, लेकिन हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं, हमारी ओर से जो भी कर पाएंगे करते रहेंगे। युवा सेना ने एक कैंपेन भी शुरू की थी लास्ट ईयर जनवरी 2013 में, ऑलमोस्ट 6 महीने चली, वो 24 की है, पर आपको लगभग लगता है वी ओनली स्टॉप बिकॉज न्यू पुलिस कमीशन है स्टार्टेड इज ओन हेल्प है। लेकिन जैसा कि आप ट्रेनिंग सेंटर आज एक खुला है, मुझे हमारे थाने में खोला है, पुणे इलाके जहाँ जहाँ फोन करते हैं वो खुले पुलिस में है, टाउन में खुले। मैं वही कह रहा हूँ, कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए सरकार को। मैं कहता हूँ, मैं देखिए, मैंने ये कहा कि मुझे किसी चीज का ये नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं यहाँ आया हूँ इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आदित्य ठाकरे ने मेरा साथ दिया, मैं उनका साथ देना चाहता हूँ इसमें। कोई जैसे मैंने आते ही कहा, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल अलायंस विद ईच अदर और एनीथिंग, इट इज अबाउट अ गुड कॉज। और मैं आपके साथ बिल्कुल कहता हूँ कि बिल्कुल सरकार को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। अगर जब तक बड़े बड़े कदम नहीं उठाएंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं रखोगे इन आदमियों के सामने, कुछ ये सुधरने वाला नहीं है। एक दो चार जगह बराबर केसेस को पकड़ के रखोगे और मतलब इवन इफ इट कम्स टू डेथ पेनल्टी, दैट इज द राइट डिसीजन, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव। You have to take severe action, and that is it. That's it. अरे उधर अजूनी पूरे जाओ, इधर अजूनी पूरे जाओ, तभी आपकी सरकार हमें टिका के लिए, तभी आपकी इधर हम परीक्षा लेते हैं, यहाँ पर हम उससे टिका करते हैं, इधर आपकी कहीं काम करूँ, आपके ऐसा प्रयत्न करते हैं, अरे यह हमारे पूरे। Yes, sir.
वहाँ कोई छेड़ रहे थे, तो मैं अपने दोस्त के साथ था, तो मुझे याद है मैं आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ वायलेंस, आई हिट हिम एंड दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच आई रिमेंबर टिल नाउ बिकॉज़ आई हैड नो अदर चॉइस बिकॉज़ यू नो आई बिलीव इन जब तक एक लगाड़ो नहीं तो कोई सुधरता नहीं। आपने कोई पत्थर देखा
मतलब कोई भी छोटी छोटी चीजें हैं, बी केयरफुल ऑफ व्हाट एवर यू सी बिकॉज इट मे हैपन समबडी मे अटैक यू एंड यू कैन यूज दैट थिंग बैक. इट इज कॉल्ड प्रॉप्स. दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन सेव यू. स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन सेव यू. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनिंग वी आर गोइंग टू गिव यू टू कीप योर आईज ओपन. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वांट टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ. These are my knowledges, lot of knowledges I have through my experience of life, and I just come here to share it with everyone, and that's it. मैं जहां भी मौका मिलता है, चाहे कोई भी शोज में जाता हूं, मैं ये बात का हमेशा जिक्र करता हूं, चाहे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन से भी मिलता हूं, मैं इस बात का जानबूझ के जिक्र करता हूं कि सर सेल्फ डिफेंस को भगवान का वास्ता है. हाथ जोड़ के कहता हूं हमारे यूथ के लिए एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं. इसके बिना आपको आगे काम नहीं मिलेगा, इसके बिना आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी. मैं यही कहना चाहता हूँ सेल्फ डिफेंस को भी एक सब्जेक्ट बनाए. अगर वो सेल्फ डिफेंस का आपके पास सर्टिफिकेट ना हो तो आपको काम नहीं मिलना चाहिए. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जैसे चाइना में, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, ये सारे देशों में 3 साल के सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग या मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी है. इमेजिन सबके परिवार में एक एक, हर परिवार में एक एक ऐसा जन है जो कि सोल्जर है. Imagine every household has a soldier. It is the most important thing. That is all I can say. Sorry, ma'am, I really can't hear you. Sir, ma'am, I have not read many laws about women, or even man also, but I just know one thing, anybody who does that has to be punished very severely. That's it. Yeah, go. Be careful. Suppose if you're sitting in a
now. You know, sometimes you are playing with your mobile, you are trying to send a message, sitting in the car. That is one part, you know, anybody who wants to attack you can attack you at that time because that is the soft time. When you sit in the car, drive out. Do your thing after you have reached your house or something. So there are small, small things, you know. First of all, it should be a safe city. The city should be absolutely safe, as how Aditya said. A woman should wear whatever she wants. She should travel at 3 o'clock at night and should feel safe. That is the most important thing. But there are some negative elements. In every city, in all places, we have to be careful and we have to take care of that. सालों पहले आया था, मेरे दिमाग में तो पहले से है, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही थी। सरकार अब आज जगह मिल गई है, इसलिए क्यों आया? क्यों आया? वो मेरे दिमाग में पहले से ही था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्यों आया? उसके लिए कारण नहीं होता, उसके काफी न्यूज़ व्यूज़ पढ़ने के बाद अगर आपको खुशी मिलती है इस बात से, तो मैं ये कह देता हूँ कि कई क्लिपिंग्स पढ़े, न्यूज पढ़े, बहुत सारे चीजें टीवी में देखी, इसलिए आया। I don't look at sports as
की मेरी टीम आई बिलीव सी मैं क्रिकेट पे आ सकता हूं, मैं आगे टीम भी ले सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, बट मैं काफी कुछ देना चाहता हूं उस चीज को जो कि बहुत, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, मैं ये टूर्नामेंट जब शुरू कर रहा था मैं किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट के पास गया था स्पॉन्सरशिप मांगने और मुझे ये पूछा गया था क्या ये क्रिकेट के ऊपर, मैं बोला नहीं ये मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के ऊपर, तो मुझे कहा था कि आपको हम स्पॉन्सरशिप 5 लाख रुपए देंगे एंड उसी दिन मैं समझ गया था कि हमारे देश में इसके लिए कोई ज्यादा जगह नहीं है, आई हैव टू क्रिएट माई ओन थिंग, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ क्रिकेट और एनीथिंग बिकॉज इट ऑलरेडी इज वेरी ह्यूज, आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट लाइक I don't want to get into it. I want to make something which is not and which will give बहुत सारा फायदा देना चाहेंगे, चाहे वो महिला को, चाहे वो इस इंसानियत को. That's it. Sorry. Well, I'll be following only my wife and my son, children at the moment of my hobby. Well, I'm very happy and I'm very thankful to people to go and watch it. Thanks to Murugadas, whatever the compliment I would like to give to Mr. Murugadas, my director, he's the one who made it. Tell us a little more about it. Okay.